कर रहे हो, इतना एक्सपीरियंस करवा रहे हो, कैसे करें? मतलब एक ही तो गाड़ी कराई थी नहीं, अभी जितनी नहीं करता हूँ, मुझे कार्रवाई करना पड़ेगा ना। एकदम थैंक यू सर इसमें तो। अच्छा तो हम लोग कितने तुम चिताने दे रहे हैं? 6 में चिताने दे रहे थे, मगर सुधर हो गया। हमारी वजह से कोई आगे गाड़ी वाला एक्सीडेंट कर रहा है, बाइक वाला एक्सीडेंट कर रहा है, लोगों का जान चला जा रहा है। तुम लोग चक्कर में स्टंट मार रहा है, कुछ लोग तांबू चौक से हम लोग खुद देखे अपने आँख से, कैसे चलेगा बताओ? क्योंकि रजिस्ट्रेशन है सबका, पिछले का तभी तो हाथ पा कर रहे थे, आज तक तो नहीं कर रही है। कब करेंगे रजिस्ट्रेशन आप लोग? करनी ना है, लाइसेंस बनवा लिए हो? आपका तो है, बाकी का कितने का नहीं है भाई? लाइसेंस जिम्मेदारी साथ खड़ा करिए, ये तो इतना बड़ा गुनाह है जी। बिना लाइसेंस के चला रहे हम अभी एक एक करके ठोक देंगे फाइन बता रहे करें। एक बार बोला दीजिए सर, दूसरा बार पकड़िएगा। दूसरा बार किया मतलब फिर कब कितने दिन में कराओगे? हम तो पता लग गया था यार, दूसरा बोल रहे हैं आप। नहीं नहीं मतलब आप बोलिए बोलिए बोलिए। बिना रजिस्ट्रेशन का गाड़ी चलाना कितना बड़ा अपराध है वो तो आपको अभी जब पता है। एक तो खुद का नुकसान कर रहे हो, कल को गलती से एक्सीडेंट हो जाएगा तो खुद का लाइसेंस रखा इंश्योरेंस तो खुद का बॉडी का भी नहीं मिलेगा, गाड़ी का नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, ऊपर से फाइन हो जाएगा जो रजिस्ट्रेशन जो क्या बोलते हैं शोरूम से निकाल करके अब तक का पर डे का फाइन लगता है, प्रतिदिन का, समझ रहे हो कितना चला जाएगा? ये नहीं पता आपको कि भाई सर आपको मान अब ये मैं सोचिए कि गाड़ी हम निकाल दिए 3-4 महीना पहले 6 महीना पहले और सरकार को पता ही नहीं है, शोरूम के पास सारा डेटा है भाई, कब 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 निकला सब कुछ पता है उसको, आप झूठ नहीं बोल सकते। उस दिन से जोड़ करके आज तक का लिया जाएगा, ऊपर से 15 साल का जो टैक्स चलेगा वो तो लगेगा ही, ऊपर से फाइन के साथ, और इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा ही नहीं, इतना बड़ा गलती मत करिए आप। शिकायतें हम लोग को मिल रही है कि टोटो के द्वारा काफ़ी सारे यातायात के इशू तो हो ही रहे हैं और एक्सीडेंट भी हो रहे हैं, खासकर कुछ टोटो वाले हम लोग शहर में देख रहे हैं जो कि बिना रजिस्ट्रेशन में घूम रहे हैं और जो जिनका रजिस्ट्रेशन है वो भी यातायात के नियमों का पालन नहीं कर रहे हैं। इससे एक्सीडेंट का मात्रा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है और हाल ही फिलहाल हम लोग देख रहे हैं कि इनकी वजह से यातायात के अलावा एक्सीडेंट हो रहा है। इसी कारण से हम लोग साफ पढ़ाई करते हुए इनका रूट निर्धारण ऑलरेडी हम लोग करवा रहे हैं और जो भी शोरूम से अब टोटो निकलेगा वो प्रॉपर एक नंबर के साथ ही निकलेगा, विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं निकलेगा। और जो भी इनके द्वारा जो भी ये टोटो चलाने वाले हैं चालक अगर वो कोई भी नियम कहते हैं पालन नहीं करते हैं उनकी वजह से कोई प्रॉब्लम होता है तब इन लोग उनसे फाइन करेंगे और फाइन वाले करेंगे तो हमारा जो यातायात नियम से जो भी हमारा इनका पेनल्टी के अलावा जो भी सजा है या जो भी प्रावधान है नियम अनुसार वो हम लोग कार्रवाई करेंगे। हाँ हेलमेट के लिए भी हम लोग अभी लगा रहे हैं क्योंकि अब चुनाव तक कुछ नहीं कर रहे थे, थोड़ा सा वो था, लेकिन हम लोग अब काफ़ी यातायात के लिए जो भी हमारा है सबका हम लोग काफ़ी कठोर तरीके से उसका पालन कराएंगे, कोई भी एक्सीडेंट नहीं हो और हम लोग बिल्कुल ये शहर को बिल्कुल क्लीन करेंगे। कमाल करते हो जी, बच्चे घूमने की इतनी जिद कर रहे हैं और तुम हो कि तुम्हें फुर्सत ही नहीं मिल रही। अब इतनी गर्मी में जाए तो जाए कहाँ, इस गर्मी में मस्ती और फन का आ गया है परफेक्ट डेस्टिनेशन वाइल्ड वादी, जहाँ है वाटर पार्क, बर्ड पार्क, फ्लावर पार्क, ट्रैम्पलिन पार्क, अम्यूजमेंट पार्क, 250 फीट लंबा जिप लाइन और क्रिकेट स्टिमुलेशन का खूबसूरत नजारा। वाइल्ड वादी 10 माइल चौक रांची, वाइल्ड वादी यानी अनलिमिटेड फन और अनलिमिटेड मस्ती।